खबर का रुख जांजगीर चांपा से कर लेते हैं। आज विभिन्न संगठनों का रेल रोको आंदोलन है और रेलवे ओवरब्रिज के लेट लतीफी के चलते ये लोग यहाँ पे खासे परेशान बताए जाते हैं। निर्माणाधीन रेलवे ओवरब्रिज मौके पर भारी पुलिस बल मौजूद है। रवि गोयल जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त फोन लाइन पर। रवि, क्या ताजा स्थिति इस वक्त मौके पर बताई जाती है? जी रक्त, आपको बताना चाहूंगा जो चापा के जो स्थानीय लोग हैं, आज सुबह से जो है रेल रोको आंदोलन को लेकर उनकी तैयारियां चल रही है। काफी संख्या में जो स्थानीय लोग और जो यहाँ के विभिन्न संगठन के लोग हैं यहाँ इकट्ठा हुए हैं। और कौन कौन से संगठन के लोग एकत्रित हुए हैं? इसमें चैम्बर ऑफ कॉमर्स संगठन के हैं और इसके अलावा जो चापा बचाओ संघर्ष समिति के लोग हैं, इन सब मिलकर जो है और साथ में स्थानीय लोग ये सब मिलकर जो है आज यहाँ रेल लोगों आंदोलन की जो है लोग तैयारी कर रहे हैं। आपको बता दूँ चापा में जो आरओबी है रेलवे ऑफिस, पिछले 6 साल से ये जो है इसका निर्माण चल रहा है, जबकि जो इसकी समय थी उसको 2.5 साल में इसको पूरा कर लेना था विभाग को, लेकिन पिछले 6 साल से ये चल रहा है और आज भी जो है कोई पूरी तरीके से पूरा नहीं हो पाया और कहीं ना कहीं जिसके कारण आसपास के जो क्षेत्र है या रेलवे क्रॉसिंग के आसपास के क्षेत्र ये इसके कारण काफी प्रभावित हो रहे हैं, जो रेलवे क्रॉसिंग को भी यहाँ जो है बंद कर 2.5 साल में निर्माणाधीन कार्य पूरा होना था, लेकिन 6 साल का लंबा वक्त गुजर गया, सत्ता परिवर्तन भी हो गया, उसके बाद भी निर्माण कार्य आज भी अधूरा पड़ा हुआ है। क्या कर रहे हैं जिम्मेदार? आखिर क्यों जिम्मेदारों ने कोई तत्काल प्रभाव से कार्रवाई क्यों नहीं की? ठेकेदार को ब्लैकलिस्टेड क्यों नहीं किया? जिन्होंने ठेका दिया उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई? रवि जी, जी आपको बताना चाहूंगा इसमें जो ठेकेदार हैं वो अपनी अलग से दलील प्रस्तुत कर रहे हैं, मजदूरों की कमी या फिर कहा जा सकता है संसाधन की कमी यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। जो काम 100 मजदूरों में होना चाहिए वहाँ 2 से 3 मजदूर लगाकर यहाँ जो काम कराया जा रहा है, कहीं ना कहीं इसमें विभागीय अधिकारियों की भी लापरवाही देखने के लिए मिल रही है। जिनके जिम्मे मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी है उनका भी उनकी भी जो कार्यप्रणाली है वो संदिग्ध के घेरे में। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए।